Hello children, welcome to ASA Education. Today our topic is The Friendly Mongoose, English book Tulip series, grade 6. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Ek baar ek kisan apni wife aur apne ek chote se ladke ke saath gaon mein rehta tha. They loved him very much. और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी वाइफ से कहा, क्यों ना हम अपने घर में एक पेट ले आए. When our son grows up, he will need a companion. और जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथ की जरूरत होगी. This pet will be our son's companion. और ये जो पेट होगा हमारे घर में, ये हमारे बच्चे के साथ उसको कंपनी देगा. His wife liked the idea. उनकी वाइफ को जो है किसान का आइडिया बहुत अच्छा लगा. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को जो किसान था वो अपने साथ एक छोटे से मोंगूज को लेके आया. मोंगूज यानी नेवले को. It's a baby mongoose, said that his wife, but will soon be fully grown. ये तो बहुत छोटा नेवले का बच्चा है, उसकी वाइफ ने कहा, लेकिन बहुत जल्द ये बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son, और ये हमारे बच्चे के साथ उसका दोस्त बन के रहेगा. Both the baby and the mongoose grew. अब धीरे धीरे जो बच्चा था और जो नेवला था वो तो दोनों बड़े होने लगे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 या 6 महीने के अंदर जो नेवला था वो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था, अपने पूरे साइज में आ चुका था. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. और वो बड़ा प्यारा सा दिखता था, 2 चमकदार छोटी छोटी काली आंखें और खूब घनी सी उसकी पूंछ थी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. और जो उनका किसान का बच्चा था वो कैसा था, वो भी एक छोटा बच्चा था जो कि पालने में रहता था, सोता था, रोता था, तो कभी सो जाता था, कभी रोता रहता था. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन जो किसान की पत्नी थी उसने सोचा कि मैं जो हूँ बाजार को जाऊं. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने क्या किया? उसने बच्चे को जो है पहले खिलाया, उसके बाद जो है थोड़ा सा झुला के उसको पालने में सुला दिया. Picking up the basket, she said to her husband, "I am off to bazaar." उसने जो है टोकरी उठाई और अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. Keep an eye on him. जो बच्चा है वो सो रहा है, तो तुम जो है उस पर निगाह रखना. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. उसने कहा कि मैं जो हूँ अगर सही कहूँ तो बच्चे को मोंगूज यानी नेवले के साथ अकेला मत छोड़ना, नजर रखना. You needn't be afraid, said the farmer. अब जो फार्मर था उसने कहा कि यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, यानी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. द मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. मोंगूज जो है वो एक बहुत ही फ्रेंडली यानी दोस्ती रखने वाला जानवर है. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. और वो बिल्कुल वैसे ही प्यारा है जैसे हमारा अपना बच्चा है, और दोनों बहुत गहरे दोस्त भी हैं, वो तो तुम जानती हो. द वाइफ went away and the farmer had nothing to do in the house. अब वाइफ जो थी वो तो चली गई इस बाजार, और फार्मर ने देखा कि उसको जो है घर पर करने के लिए कुछ नहीं है. Decided to go out and take a look at his fields not far away. तो उसने सोचा घर पे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो बाहर ही चलता हूँ और थोड़ा सा अपने खेत वेत को देख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time.
और फिर जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए उसे और वो उनके साथ जो है चला गया या जो भी हुआ बहुत देर तक वापस नहीं लौटा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब जो फार्मर की वाइफ थी वो बाजार से जब शॉपिंग वगैरह खरीद के घर आई तो उसके हाथ में जो टोकरी थी वो पूरी की पूरी सामान से भरी हुई थी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने देखा कि वो जो नेवला है वो बाहर बैठकर इंतजार कर रहा है, जैसे मानो उसी के आने का वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और जैसे ही उसने देखा कि जो उसकी किसान की वाइफ है वो वापस आ गई है तो वो दौड़ के एक दो उसके पास गया जैसे वो हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed. A farmer की वाइफ ने जैसे ही मोंगूस को देखा एकदम से चिल्लाई खून। She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. और उसको तो देख के उतनी तेज चिल्लाई क्योंकि जो नेवला था उसके फेस पे और उसके पैरों पे पूरी तरह से खून लगा हुआ था। You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. अब तो वो इतनी ज्यादा डर गई कि उतनी जोर से चिल्लाई, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम बहुत खराब जानवर हो, और जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी।